हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय सुश। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है बिना चाशनी की झटपट बनने वाली बेसन की बर्फी। बिल्कुल हलवाइयों की तरह बनी है, देखने में भी और टेस्ट में भी। और एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनी है ये। देखिए इसका टेक्सचर क्या शानदार दिख रही है। और हमने इसको कैसे बनाया है, इसके लिए चलते हैं हम अपने किचन में। हलवाई जैसी टेस्टी बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा कप देसी घी। आप चाहे तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं। आज यहाँ पर हम लगातार धीमी रखेंगे। यहाँ पर हमने लिया 1.5 कप बेसन, 1 कप ये और आधा कप ये। इस तरह से हमने 1.5 कप बेसन में आधा कप घी लिया है। इसको लगातार बिल्कुल धीमी आंच में चलाते हुए इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। बेसन की बर्फी बनाना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें धीमी आंच पे ही लगातार चलाते हुए इसको भूनना होता है, तभी इसकी बढ़िया खुशबू आती है और बढ़िया बेसन की बर्फी तैयार होती है। बेसन को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी बर्फी में दानेदार टेक्सचर लाने के लिए। और अगर आपको सॉफ्ट बर्फी पसंद है तो आप सूजी अवॉइड कर सकते हैं। अब बेसन और सूजी को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। इस बेसन बर्फी को हम बिना चाशनी के बनाएंगे, क्योंकि कई बार जब रेसिपी में चाशनी बनाने का काम होता है तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं चाशनी ठीक से बनेगी या नहीं। यहाँ पर देखिए, जो बेसन पहले दरदरा दिख रहा था वो भूनते भूनते इकट्ठा होने लगा है। अभी इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। यहाँ देखिए, बेसन ने पहले घी को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया था। धीमी आंच पर भूनते भूनते बेसन का टेक्सचर एकदम स्मूथ हो गया है और इसने घी भी रिलीज कर दिया है। बेसन पूरी तरह भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप पिसी चीनी। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बेसन और चीनी को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएंगे। यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। देखिए बर्फी का मिक्सचर बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक बीच बीच में चलाते रहेंगे, जिससे कढ़ाई की हीट से नीचे का मिक्सचर जल न जाए। एक ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगाकर उसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे बर्फी का मिक्सचर। अब इस पर डाल देंगे थोड़े कटे बादाम और पिस्ते। अब बर्फी के मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बिना चाशनी वाली शानदार बेसन की बर्फी तैयार हो गई। इसको बनाने का प्रोसेस आपने देखा कितनी जल्दी और आसानी से बन जाती है। एक बार इसको जरूर बनाइए
और तब अपना जो फीडबैक है उसको दीजिए कैसी बनी आपकी बर्फी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।